इमरान खान की आईजी डीआईजी इस्लामाबाद और शहबाज गिल का रिमांड देने वाली खातून जज को सीधी सीधी दम किया। कहा आईजी डीआईजी हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी आप भी तैयार हो जाएं, आपके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना। F9 पार्क इस्लामाबाद में एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस में जिससे बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें पीछे से हुक्म मिला था। इस्लामाबाद पुलिस भी कहती है कि हमें पीछे से बूट लगा था। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, क्या वाकई आप न्यूट्रल हैं? न्यूट्रल्स को गैर मुल्की साजिश का पता चल गया था, फिर भी वो पीछे बैठ गए। आपके लिए जरूरी है कि चोरों के साथ ना खड़े हों। इमरान खान का नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह के खिलाफ भी मुकदमे बनाने का ऐलान। कहा शहबाज गिल से बुरा सलूक हमें गुलाम बनाने के लिए किया गया, अगर ये सलूक शहबाज गिल के साथ कर सकते हैं तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। इससे पहले बयान में कहा कि पंजाब हुकूमत सिर्फ हमजा शहबाज को हटाने के लिए हासिल की, पंजाब में पुलिस हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो चिड़िया घर से कॉल आ जाती है। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की तरफ से इमरान खान के खिताब की शदीद मुज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा कि इमरान खान ने एक खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर उसे धमकी दी। आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद को मुखातिब करके डराने की कोशिश की। ये धमकियां खुली गुंडागर्दी और लाकानूनियत है। फॉरन एड जमात और फॉरन फंडिंग लेने वाला इसका चेयरमैन गद्दार है, जिसने पाक फौज में बगावत की साजिश की है। आला अदलिया इमरान खान की तरफ से खातून मजिस्ट्रेट को धमकी देने का आज को नोटिस ले। अफसरान और सरकारी अमले को धमकियां देने पर वजीर दाखिला से भी इमरान खान और उनके साथियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी तनकीद। कहा कि छोटे इंसान को बड़ा ओहदा मिल जाए तो उसकी औकात नहीं बदलती। ये शख्स वजीर आजम रहा है और अपने मौसिनों से लेकर सरकारी ऑफिसर्स और खवातीन तक को गालियां और धमकियां देता है। खातून ऑफिसर और पुलिस अफसरान को धमकियां रियासती इदारों के खिलाफ अमल है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का बयान। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अपने फराइज तनदही से सर अंजाम दे रही है और देती रहेगी। इस्लामाबाद पुलिस की बतौर इदारा साख मुतासर करने और उसे मुतनाजा बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FIA साइबर क्राइम विंग की बड़ी कार्रवाई। पाक फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाने और फेक न्यूज फैलाने में मुलव्वस अकाउंट्स का पता चल गया। अकाउंट चलाने वालों में तहरीक इंसाफ का कारकुन समंदर पार पाकिस्तानी मोहम्मद नवीद अफजल शामिल है, जो जंग का वकील है। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक इंजीनियर नवीद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आर्मी चीफ ने 14 अगस्त की तकरीब में शिरकत की, जो लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में हुई। मगर सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली वीडियो आर्मी चीफ की मई 2021 में दौरा यूक्रेन की है। तहकीकाती हुक्काम के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज खबरें सोची समझी साजिश के तहत फैलाई जा रही हैं। फौज और आवाम में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौन सा तशद्दुद, कैसी मारपीट, कहां गया शहबाज गिल का ऑक्सीजन मास्क? वो तो हट्टे कट्टे हैं, टहल रहे हैं, बेड पर बैठे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पुलिस वालों से बातें कर रहे हैं। वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब ने शहबाज गिल की बिम्स अस्पताल के कमरे की वीडियो चला दी। कहा कि सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी लगा हुआ है, क्या किसी ने तशद्दुद की असल वीडियो देखी है? शहबाज गिल के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। कहानी के ताने बाने इमरान खान से मिलते हैं। इमरान खान असल हकीकत से तवज्जो हटाना चाहते हैं। इमरान खान ने स्क्रिप्ट बनाकर शहबाज गिल से टीवी पर इंटरव्यू दिलवाया। बाद में जियो न्यूज के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा कि शहबाज गिल से जिसे मिलना है वो कोर्ट से ऑर्डर ले आए और मिल ले। 15 डॉक्टरों ने शहबाज गिल को फिट करार दिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का शहबाज गिल की वीडियो पर रद्देमल। कहा कि अगर वीडियो ठीक है तो खुशी की बात है, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर शहबाज गिल इतने सेहतमंद हैं तो फिर इमरान खान पर मुलाकात की पाबंदी क्यों? मुस्तफा नवाज खोखर, साद रफीक, श्री बजारी पर मुश्तमिल 3 रुकनी पैनल बनाकर शहबाज गिल पर तशद्दुद की इंक्वायरी का मुतालबा भी कर दिया। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की इंक्वायरी पर किसी को एतबार नहीं हो सकता।
शहबाज गिल के तिब्बी मुआयने के लिए 4 रुकनी नया मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर शफात रसूल सरबरा होंगे। मेडिकल बोर्ड शहबाज गिल के इलाज के साथ मुबैना तशद्दुद के मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगा। इमरान खान के इंजमात के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने भी शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात शुरू कर दी। तशद्दुद के इल्जामात पर बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। डॉक्टर्स के बयान भी लिए गए। शहबाज गिल की खुराक से मुतालिक भी मुकम्मल निगरानी की जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद मीना दरक करोड़ लालिसन वार्ड नंबर 4 के रहायशी हूँ। जिला लहिया का रहायशी हूँ। मुल्तान से टाइम्स इंस्टीट्यूट से मैं ला कर रहा हूँ और मैंने पीटीए के टॉप फैन में देखा देखी में ना समझी में कोई पोस्टर अदर क्लास तो कहीं ना बेस पोस्टर लगाई और शेयर की है और मैंने अपने तमाम रिकॉर्ड से वो डिलीट कर दी है। अब मैं किसी भी अदारे के खिलाफ कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं लगाऊंगा और ना ही मैं किसी ऐसी गंदी कंप्लेन का हिस्सा बनूंगा। इदारों के खिलाफ पीटीआई की मुहिम से मुतासर होने वाले एक और तालिब इल्म का शर्मिंदगी का इजहार। लैया के कानून के तालिब इल्म मुबीन हैदर का बयान हल्फी और वीडियो पैगाम सामने आ गया। इदारों के खिलाफ पोस्ट करने का इतराफ किया और माजरत कर ली। कहा कि उसने सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ पोस्ट शेयर की। पीटीआई के ट्रेंड्स और लोगों को देखते हुए मुहिम में हिस्सा लिया। मुहिम में हिस्सा बनने पर वो इदारों और कौम से माजरत खा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुकंदर सुल्तान राजा के नाम पर सोशल मीडिया में जाली अकाउंट बनाए गए। जाली अकाउंट से इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई के लिए FIA साइबर क्राइम से रابطہ किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत बनी गाला से चलाई जा रही है। परवेज इलाही चाबी वाला खिलौना है जिसकी चाबी इमरान खान के पास है। वजीर आजम के मामले खुसूसिया तर पंजाब हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि शहबाज गिल के मुकदमे का बदला मुस्लिम लीग नून से लिया जा रहा है। असल मुकदमा तो डिप्टी स्पीकर पर हमले का है। पुलिस भी अरकान असेंबली के घरों में डकैतियां कर रही है। छापों में कीमती सामान उठाकर लेकर जा रही है। तमाम मुकदमा झूठ बेबुनियाद मनगढ़ंत है। डट कर खड़े रहेंगे इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अवैस लगारी ने कहा कि परवेज इलाही ने दोस्त मजारी को हक दिलवाने की बजाय मुद्दई को मुलजिम बना दिया। मुस्लिम लीग नून के 12 रहनुमाओं ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। नून लीग रहनुमाओं और अरकान असेंबली के घरों पर छापे पर पंजाब असेंबली में करारदाद जवान। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा है कि 25 मई को पीटीआई कारकुनों पर तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब असेंबली में तशद्दुद के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस सर्च वारंट के साथ उनकी गिरफ्तारियों के लिए कार्रवाई कर रही है। 25 मई के वाकयात और जिमनी इंतखाबात में इख्तियारात से तजावज पर CCPO लाहौर, DIG ऑपरेशंस और DIG इन्वेस्टिगेशन को ओहदे से हटा दिया गया। 30 इंस्पेक्टर्स को फौरी तौर पर मुअत्तल या नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है। फैसलाबाद में खवातीन पर बंदूक तानने वाला सब इंस्पेक्टर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। सलमान रश्दी पर हमले से मुतल्लिक बरतानवी अखबार ने गुफ्तगू सयाको सबाक से हटकर पेश की। इमरान खान की वजाहत। कहा सलमान रश्दी पर उनका मौके बड़ा वाजे है, वो एक बहुत बड़ा फितना है। इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि सलमान रश्दी ने 1.5 अरब मुसलमानों की तौहीन की है। उन्होंने गुस्ताखे रसूल को सजा देने के इस्लामी तरीकेकार की वजाहत की थी। पंजाब असेंबली में नून लीग रुकन ने इमरान खान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि ईवान इमरान के बयान की शदीद मजम्मत करता है। मालूम की हिमायत से करोड़ों मुसलमानों की दिलाजारी हुई। इमरान ने माफी मांगने का मुतालबा। इमरान खान ने बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सलमान रश्दी पर कातिलाना हमले को खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया था और कहा था कि वो सलमान रश्दी की किताब पर रद्दमल में आलम इस्लाम में पाए जाने वाले गम गुस्से को समझ सकते हैं, लेकिन ये किसी सूरत भी उन पर कातिलाना हमले का जवाब नहीं। बस तो हीरो शेबस्ती की।
तहरीके इंसाफ किसी ने रहनुमा परवेज खटक ने बीटीआई के कारकुनों को कूड़ा कबाड़ कह दिया। चारसदा में तहरीके इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों ने अरकान असेंबली पर इल्जाम आयद किए तो सीनियर रहनुमा परवेज खटक को कारकुनों की शिकायत पर बैठने और खामोश होने को कहते रहे। कारकुन बाज न आए तो उन्हें कूड़ा कबाड़ कहा। ये भी कहा कि तुम पीटीआई और इमरान खान के नहीं हो, इमरान खान की पार्टी सैलाब है, पता नहीं चलता कौन किधर से आया और किधर गया। कराची के हलका एन ने 245 में जिमनी इलेक्शन आज होगा। एमकेएम पाकिस्तान के मोहित अनवर और पीटीआई के उम्मीदवार महमूद मौलवी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार एमकेएम पाकिस्तान के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में मौजूद हैं। तहरीके लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा, पाक सरजमीन पार्टी के सैयद हफीजुद्दीन और महाजर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद भी उम्मीदवार हैं। PCHS तारिक रोड, PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों के लोग आज अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। ये नशिस्त PTI के डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली हुई थी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौसम की सूरत हाल से मशरूत कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि अगर अगले हफ्ते कहीं बारिश होती है तो 23 और 24 अगस्त तक इसका जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेजी जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी भी गैर मामूली वाक्य पर पोलिंग के हवाले से फैसला करे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 28 अगस्त यानी अगले इतवार को कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में इलेक्शन होना है। बारिश की वजह से इलेक्शन पिछले माह भी मुलतवी कर दिया गया था। हालिया बारिशों से सिंध में तबाही। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। जामशोरों के करीब रेलवे ट्रैक जेर आब। सिंध बलूचिस्तान के दरमियान ट्रेनें मुअत्तल। शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। गाड़ियों की बजाय कश्तियां चलने लगी। सखर की सड़कें तालाब बन गई। शहर में हंगामी हालत नाफिज। खैरपुर के नदी नाले उबल गए। सांगढ़ खैरपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कच्चे मकान सैलाबी रैलों में बह गए। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। दादू की तहसील जूही और सेवन के इलाकों में देहात का जमीनी रब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जल्द ही पूरे सिंध को आफतज़दा करार दे दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर घराने को 25,000 रुपए इमदाद दी जा रही है। अजमेरा में मूसलाधार बारिशें। उथल की लंडा नदी में शदीद तूफ़ानी। नदी में फंसी दो मुसाफिर कोचेस को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चमन में सैलाबी रैला। पाक अफगान बॉर्डर कस्टम और ड्राई पोर्ट में दाखिल हो गया। पाक अफगान शाहराह आमदरफ्त के लिए बंद। सोहबतपुर के पट फीडर कैनाल में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन की माल मवेशियों के साथ बनाकर मकानी। सोहबतपुर जाफराबाद राबता सड़क खैम बस्ती में तब्दील। राजनपुर में सैलाबी पानी का बस्तियों और बड़े कस्बों के बाद शहरी इलाकों का रुख। स्कूल में कायम रिलीफ कैंप और सरकारी अस्पताल में पानी दाखिल। बस्ती लखा के करीब सैलाब में दुल्हा दुल्हन फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कश्ती पर दुल्हन को दूल्हे के घर मुंतकिल कर दिया। पंजाब बलोचिस्तान शाहरा तीसरे रोज भी खोली नहीं जा सकी। डेरा इस्माइल खान के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलोचिस्तान कोर से राबता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मवासलाती निजाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। फौज हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निजाम की बहाली पर काम करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडर बलोचिस्तान कोर को सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन तआवुन करने की हिदायत की है। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन तआवुन की हिदायत की है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर। डॉक्टर्स ने 4 से 6 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया है। एशिया कप 27 अगस्त से अरब अमीरात में खेला जाएगा। 28 अगस्त को पाक भारत टाकरा पड़ेगा। शाहीन अफरीदी की जगह हसन अली को मौका दिए जाने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम खलीज बंगाल में शिदत पकड़ रहा है। सिस्टम बलोचिस्तान में भी बारिशों का बायस बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुसा वहाब ने कहा कि तारीख की सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन नालों की सफाई का काम हुआ तो सूरत हाल बेहतर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि बारिशों से कराची की सूरत हाल बदतरीन है, लेकिन किसी वजीर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर की कोई सड़क सही सलामत नहीं।
कश्मीर प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में बाघ स्टैलियंस ने कोटी लायंस को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में मीरपुर रॉयल्स ने जम्मू जांबाज को हरा दिया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। सबसे बड़ा मसला तो ये लेके आए थे कि वो पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि आप इसी पोस्ट पे पुलिस में आ जाएं जिस पे आप कर रही हैं इन द प्ले। आप पुलिस में वाकई में आ जाएं तो आपने क्यों मना किया? आपने आमदन जरा कम थी आप वहां चले जाते शायद वो इदारा भी बंद हो जाता। और जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार इरफान खुसत और रुबीना अशरफ मेहमान। रुबीना अशरफ ने कहा कि ड्रामा सीरियल पसे आईना में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग असल पुलिस ऑफिसर समझने लगे। प्रोग्राम के मेजबान ताबिश हाशमी ने सवाल किया कि आपने महकमा पुलिस की नौकरी क्यों ना की, तो साथ ही अदाकार इरफान खुसत ने जवाब दिया कि शायद तनख्वाह बहुत कम थी। इरफान खुसत ने मजीद बताया कि एक बार उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान को स्कूटर पर बिठाकर मजाक में कह दिया कि चलाना नहीं आता, तो वो नाराज होकर उतर गए और सिनेमा हॉल तक पैदल चले गए।